मेरा नाम इबाद नसीर। हमारा स्टार्टर कप का जो आइडिया है वो बेसिकली है स्ट्रिप एंड स्ट्रेच। बॉडी वेट से लिया गया है स्ट्रिप और उसको देन स्ट्रेच करें। हमारा फैसलाबाद में फर्स्ट टाइम हम लोग जो है ब्यूटी सर्विसेज जो है डोर स्टेप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उसमें ये है कि फीमेल्स का बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और हर तरह की कैटेगरी जो घर से सैलून तक आने में उन्हें मसला दरपेश होता है, बच्चों के साथ वो टाइम नहीं निकाल सकते या पिक एंड ड्रॉप के इश्यूज होते हैं, तो हमारी जो सर्विसेज हैं सैलून की सारी सर्विसेज उन्हें घर बैठे हुए उनके कम्फर्ट जोन में रहते हुए उसी प्राइस रेट पर जो है उन्हें अवेलेबल। अभी हम ये तकरीबन 6 to 7 मंथ हो गए हैं हम ये जर्नी स्टार्ट किए हुए, और हम अभी इनिशियल स्टेज पे हम फेसबुक के थ्रू हमने इसको लॉन्च किया है स्ट्रिप एंड स्ट्रेच के नाम से। अभी हमने उसको अंडर प्रोसेस है वर्किंग उसकी, अभी हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी टीम आगे हायर कर रहे हैं, उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन विद अंदर रिसोर्सेज हम कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि अभी हम चाह रहे हैं कि अगर हमें अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम मार्केट में, चूँकि इस चीज़ का स्कोप बहुत ज़्यादा है और फीमेल्स इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट भी करेंगी, मोर ओवर ये कि उनके टाइम बचने के साथ साथ उन्हें सर्विसेज भी मिल रही और साथ में जो लड़कियाँ वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी उन्हें अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और वो इंडिपेंडेंट भी होंगी, एम्पावरमेंट भी उनमें आएगी। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि मार्केट में प्रॉपर वर्कआउट करके उसे ऐसे तरीके से लॉन्च किया जाए कि वो एक अच्छा जो है ना स्टेप हो। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और हम इसको फर्दर इम्प्रूव भी कर रहे हैं अपने इस आइडिया को, अपने फर्दर सर्विस ओरिएंटेड प्रोग्राम को लेके आगे। हम बाकी इस स्टार्टअप को डेफिनेटली यही मैसेज देंगे कि आपके माइंड में अगर कोई आइडिया आता है तो उसको जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं लेके चलेंगे तो आप एक सक्सेसफुल जो है ना उस आइडिया को नहीं लेके चल सकते। प्लानिंग अपनी जगह है लेकिन जब तक उसको फंक्शनल करें और उस फंक्शनल के लिए आप प्रॉपर वर्कआउट करें, गाइडलाइन अच्छी लें, तो होप्स हो कि आप वो मार्केट में एक अच्छा मुकाम बना सकते हैं।